guys, welcome back to my channel Bansal Biology. In today's video, we are going to learn about two important things, that are peptide bond and peptidase. Previously, many questions has been asked from these topics, so these topics are very important. And before watching this video, I would request you to see the previous two videos that I uploaded regarding the amino acids. So this video is very, very clear to you. So let's get started with the video, guys. So in this video, first of all, let's see about peptide bond. हम पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं. तो हमने पहले के वीडियोस में क्या देखा था, वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड. एंड दिस अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट अमाइनो एसिड में जहां पर भी वेयर एवर द कार्बोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट, उस टर्मिनल को हम बोलेंगे सी टर्मिनल. ठीक है, जहां पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा एंड में उसको हम क्या बोलेंगे, सी टर्मिनल. और जहां पे भी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा दैट विल बी नोन एज एन टर्मिनल. ओके, दिस विल बी नोन एज एन टर्मिनल एंड दिस विल बी नोन एज सी टर्मिनल. क्यों? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक में सी प्रेजेंट होता है और अमाइनो में एन प्रेजेंट होता है. ड्यू टू दैट दिस टू आर नोन. सो इफ आई सी अ प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर में अगर यहाँ पे अमाइनो एसिड के एंड में प्रेजेंट है NH2, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, एन टर्मिनल. और यहाँ पे प्रेजेंट है COOH, सो इसको व्हाट आई विल से, इट्स आई विल से सी टर्मिनल. ओके, दिस थिंग यू मस्ट रिमेंबर. So if I see the structure of amino acid and how it forms a peptide bond, तो इसके लिए आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हो ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए. जो अरेंज मैरिजेस होती है उसमें क्या होता है, उसमें लड़का और लड़की मिलते हैं एंड देन हम क्या हो जाती है, उनकी मैरिजेस हो जाती है. ठीक है, लेकिन जब हम अरेंज मैरिज में जाते हैं तो उसका लड़के की हो सकती है कोई गर्लफ्रेंड हो पहले, और उस लड़की की हो सकती है कि पहले कोई बॉयफ्रेंड हो. तो उनको क्या करना पड़ता है, उनके अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को टाटा बाय बाय करना पड़ता है, उसके बाद ही क्या हो पाती है, उनकी मैरिज हो पाती है. राइट, इसी कॉन्सेप्ट को लगा के हम पेप्टाइड बॉन्ड को समझते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रेजेंट है दो अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड ये और एक अमाइनो एसिड ये. तो पेप्टाइड बॉन्ड सबसे पहले हमें देखना है किसके बीच में फॉर्म होगा, COOH ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड NH2 ऑफ अनदर अमाइनो एसिड. तो COOH समझ लो लड़का है और NH2 समझ लो लड़की है. ठीक है, इन दोनों को हमने मिलवा दिया. अब ये दोनों ने बोला ठीक है, हम मैरिज करने के लिए तैयार हैं. तो COOH जो लड़का है उसने अपनी गर्लफ्रेंड को टाटा बाय बाय कर दिया, यानी कि उसने क्या कर दिया, OH को हटा दिया. और NH2 ने अपने लड़के को टाटा बाय कर दिया, उसने क्या हटा दिया, H को हटा दिया. तो NH2 ने किसको रिमूव कर दिया, H पॉजिटिव को, और COOH ने किसको टाटा बाय कर दिया, OH नेगेटिव को. तो ये दोनों मिलकर क्या इसमें से रिमूव होता है, इसमें से रिमूव होता है H2O, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड आर रिमूव्ड. और फिर किसकी पेयरिंग हो जाती है, CO की विद NH, CO की पेयरिंग हो जाती है किसके साथ, NH की. लड़का और लड़की की क्या हो गई, शादी हो गई. और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. दिस विल बी नोन एज व्हाट, दिस विल बी नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. द पेप्टाइड बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड. ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है. ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि विच काइंड ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज, इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड. क्यों, क्योंकि ले यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है बिटवीन CO और NH. CO बोल रहा है तू भी खुश रहे, NH बोल रहा है तू भी खुश रहे. दोनों ने खुशी खुशी क्या कर लिया, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वली बांट लिए. ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो, लेट मी इरेज दिस सो दैट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. ये वाला जो आपने अभी यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, ये क्या है, ये है एक अमाइड बॉन्ड, अमाइड लिंकेज बोलते हैं. यहाँ पे जो हमने अभी पेप्टाइड बॉन्ड बनाया है, इसमें ये वाला जो, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हुआ, इसको हमने क्या बोल दिया, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड. ओके, सो एक बार फिर देख लेते हैं हम कैसे फॉर्म होता है. यहाँ पहले अमाइनो एसिड का COOH ग्रुप आएगा, दूसरे अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप आएगा. इसका OH और इसका H, इन दोनों का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2O. जब इन दोनों का रिमूवल हो गया तो C और N के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे, जो कि एक तरह से क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है. एंड दिस रिएक्शन और दिस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन.
It is a condensation reaction in which removal of H2O is occurring and the pairing of two amino acids is occurring to form the peptide bond. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो अमाइनो एसिड जुड़ के क्या बनाया, उन्होंने बनाया है डाई पेप्टाइड. व्हाट दे हैव फॉर्म, दे हैव फॉर्मड अ डाई पेप्टाइड. ऐसे ही अगर तीन अमाइनो एसिड्स को मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टेट्रापेप्टाइड, सॉरी ट्राईपेप्टाइड. अगर हमने चार अमाइनो एसिड को मिला दिया तो क्या बन जाएगा, टेट्रापेप्टाइड. और अगर हमने पांच को मिला दिया तो क्या बन जाएगा, पेंटापेप्टाइड. And so on, ठीक है. अगर सम अमाइनो एसिड्स एड हो चुके हैं तो हम ऐसे जो पेप्टाइड है उसको हम बोलते हैं ओलिगो पेप्टाइड. दे आर नोन एज ओलिगो पेप्टाइड. एंड बहुत सारे अमाइनो एसिड जब जुड़ गए, बहुत सारे, तब हम उसको बोल देंगे पॉली पेप्टाइड. वॉट इज पॉली, पॉली इज मैनी. सो वेन मैनी अमाइनो एसिड्स आर एडेड देन दैट चेन विल बी, दैट अमाइनो एसिड चेन विल बी नोन एज पॉली पेप्टाइड. When some of the amino acids are added, then it will be known as oligopeptide. And tetra, penta, octa are the number of 1, 2, 3, 4, like that, so on. So I hope you are very clear about the peptide bond. It's just simple that this kind of bond is what? This kind of bond is peptide bond, and it is a amide linkage. And it is formed due to the removal of H2O. So in this is a, for example, tripeptide. So in this condition, this end will be known as N-terminal and this end will be known as C-terminal. Okay, very clear. So let's move further. Now, when the amino acids are added in the protein, then they won't be known as amino acid particularly. They will be known as amino acid residues. They will be known as amino acid residues when many amino acids are joined together and formed a protein. So, hum unko kya bolenge? Hum unko bolenge amino acid residue instead of amino acid. ठीक है. अगर ये जो हम पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन देखें तो ये एंडरगोनिक रिएक्शन होता है. एंडरगोनिक रिएक्शन यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए हमें क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी क्या हो पाएगा, तभी जो रिएक्शन है, तभी जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो हो पाएगा. ऐसे वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. तो ये कैसा है, ये एंडरगोनिक रिएक्शन है in which an input of energy is required. This is very important. आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया, दो मार्क्स के क्वेश्चन में ही आ सकता है ये कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कैसा रिएक्शन है, एंडरगोनिक है, एक्सोरगोनिक है, कैसा है. तो यू मस्ट नो दैट इट इज अ एंडरगोनिक रिएक्शन. सो इनमें जो डेल्टा जी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. डेल्टा डी दैट इज गिव्स एनर्जी विल बी पॉजिटिव. आगे देखते हैं. आगे अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू टू राइट इन योर नोटबुक इफ यू आर नोटिंग इट डाउन, दैट इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पेप्टाइडेज. फ्रॉम द एज वर्ड वी आर नोइंग दैट इट इज अ एंजाइम. ओके, वेन एवर देयर इज अ नेम एज देन इट इज अ एंजाइम, वी नो दैट. एंड फ्रॉम पेप्टाइड वी नो दैट इट इज टॉकिंग अबाउट पेप्टाइड, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड. यानी कि ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा, इट विल कट डाउन द पेप्टाइड बॉन्ड. अब ये जो पेप्टाइडेज है ये कितने टाइप का, ये है एंडो पेप्टाइडेज एंड इट इज एक्सो पेप्टाइडेज. एंडो मतलब इन या फिर अंदर, एक्सो मतलब बाहर या फिर आउट. ठीक है, क्लियरली देखते हैं, हम दोनों को बहुत अच्छे से समझते हैं. सिर्फ अभी तक हमें ये समझ में आया कि पेप्टाइडेज क्या होगा, जो पेप्टाइड बॉन्ड्स है प्रोटीन में उनको कट करेगा. यानी कि पहले हमने पेप्टाइड बॉन्ड को बनाया, अब हम पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेंगे. तो फिर ये जो एंडो पेप्टाइडेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है एक पेप्टाइड चेन दी गई है. तो यहाँ पे ये जो एक्सो पेप्टाइडेज है ये सिर्फ लास्ट के जो अमाइनो एसिड्स है सिर्फ उनको कट करेगा. ये क्या करेगा, सिर्फ उन्हीं को कट करेगा. वहीं ये जो एंडोपेप्टाइडेज है ये अंदर जितने भी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है उनको कट डाउन करेगा. लेकिन लास्ट के जो अमाइनो एसिड है उसको कौन कट करेगा, उनको सिर्फ एक्सोपेप्टाइडेज ही कट करेगा. तो हमें इसमें बहुत सारे एंजाइम्स को देखना है जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं पेपर में, हर पेपर में पूछे जाते हैं. जितने भी हमारे लाइफ साइंस से रिलेटेड पेपर होते हैं उन सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं.
सो लेट सी फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे एक ऐसी चेन प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, एक होता है आर एन और एक होता है आर एन माइनस वन। समझ लो मैंने कोई भी एक एंजाइम लिया जो कट कर रहा है किसको, फिनाइल एलेनिन, ठीक है। एफ मतलब फिनाइल एलेनिन, आई होप कि आपको सब अमाइनो एसिड के सिंबल पसंद पता है। तो एफ मतलब क्या हो गया, फिनाइल एलेनिन, तो वो इसको कट कर रहा है। तो अगर फिनाइल एलेनिन की बात चल रही है तो इसके बाद का जो अमाइनो एसिड होगा उसको क्या बोलेंगे हम, आर एन बोलेंगे, और इससे जो पहले वाला अमाइनो एसिड होगा उसको हम बोलेंगे आर एन माइनस वन। विच एवर अमाइनो एसिड वी आर कंसिडरिंग, उसके बाजू वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी हम बात करें, जो राइट हैंड साइड वाला होगा उसको हम बोलेंगे आर एन, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा उसको हम बोलेंगे आर एन माइनस वन। दैट इज क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम्स को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंडोपेप्टाइडेज के, दैट विल कट इनसाइड दी प्रोटीन स्ट्रक्चर। उसमें सबसे पहला क्या है, ट्रिप्सिन है। अब ट्रिप्सिन के बारे में हम देखते हैं, ट्रिप्सिन क्या करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कट करता है, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप की साइड में कट करता है। और कौन कौन से अमाइनो एसिड को कट करता है, स्पेसिफिक होते हैं, हर एंजाइम हर अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी अमाइनो एसिड जो है वो किसी भी एंजाइम से कट हो जाएगा, दैट्स नॉट द सिचुएशन। सो क्लीव कार्बोक्सिलिक साइड ऑफ लाइसिन, इट विल कम द कार्बोक्सिलिक साइड ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन। शर्त क्या है कि आर एन में प्रोलीन नहीं होना चाहिए। अभी हम समझ जाएंगे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखो समझो, मैंने आपको कोई भी ऐसा एक फ्रेगमेंट दे दिया है, मैंने आपसे पूछा कि ट्रिप्सिन जो है वो कट कर रहा है इसमें, तो हमें कितने फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। कोई भी एक चीज़ अगर हम उसको एक बार कट करेंगे तो हमें दो फ्रेगमेंट मिल जाएंगे, दो बार कट करेंगे तो तीन फ्रेगमेंट मिल जाएंगे। इसलिए मैंने ऐसे पूछ लिया आपसे कि अगर ट्रिप्सिन कट करेगा तो हाउ मैनी फ्रेगमेंट्स विल गेट। सो वॉट विल बी सी कि लाइसिन का है और आर्जिनिन का है, ठीक है। लाइसिन का होता है के, आर्जिनिन का आर। तो आई सेड दैट यहाँ पे कार्बोक्सिलिक साइड विल ऑलवेज बी टूवर्ड्स दी राइट हैंड साइड। आप ये नहीं बोलोगे यहाँ पे कट करेगा, नहीं, यहाँ पे कौन सी साइड है, अमाइनो साइड, और यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है ट्रिप्सिन कहाँ कट कर रहा है, कार्बोक्सिलिक साइड पे कट कर रहा है। सो उसने क्या किया, उसने यहाँ पे कट कर दिया। और कहीं दिख रहा है क्या हमें, नहीं दिख रहा, यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिल गए, टू फ्रेगमेंट्स मिल गए। हाउ मैनी फ्रेगमेंट्स वी गॉट, वी गॉट टू फ्रेगमेंट इन द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन देखते हैं और क्लियरली समझने के लिए। अब यहाँ पे के प्रेजेंट है, ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है, और बोलेंगे मैम दो फ्रेगमेंट मिले, बट हमने देखा ही नहीं कि जो ट्रिप्सिन है वो क्या है, एंडोपेप्टाइडेज है, और इसको कट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड एक्सोपेप्टाइडेज। सो यहाँ पे कोई कटिंग नहीं होगी, कोई कटिंग नहीं होगी। वाई, बिकॉज इट इज अ एक्सोपेप्टाइडेज का काम है ये, और ट्रिप्सिन जो है हमारा क्या है, एंडोपेप्टाइडेज है। नेक्स्ट एक और समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे के प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो आराम से कट हो जाएगा, बट आई विल से नो इट वोंट कट। वाई, बिकॉज आर एन पोजिशन पे क्या प्रेजेंट है, प्रोलीन प्रेजेंट है, और मैंने क्या बोला, आर एन पोजिशन पे प्रोलीन नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, इसलिए ट्रिप्सिन तभी कट करेगा। प्रोलीन क्या होता है, प्रोलीन का स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये हिंडर करता है एंजाइम को उसके फंक्शन करने से, जिसकी वजह से जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होगा ये एंजाइम को फंक्शन नहीं करने देगा। दैट्स वाई द ट्रिप्सिन विल नॉट बी एबल टू कट दिस कार्बोक्सिलिक साइड इवन इफ द लाइसिन इज प्रेजेंट। वॉट इज द रीजन, बिकॉज इन द आर एन पोजिशन प्रोलीन इज प्रेजेंट। वहीं अब यहाँ पे आर प्रेजेंट है, यानी कि आर्जिनिन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कट करेगा या नहीं करेगा, यहाँ पे बिल्कुल कट करेगा, क्योंकि ये सिर्फ कहाँ पे कट नहीं करेगा, जब आर एन पोजिशन पे प्रोलीन होगा, आर एन माइनस वन की कोई बात नहीं की गई है। तो इट विल कट हियर एंड वील गेट टू फ्रेगमेंट्स, विल गेट टू फ्रेगमेंट। जस्ट लुक एट दिस केयरफुली, दिस स्लाइड केयरफुली, बिकॉज क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक वेरी 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 मच। सो प्लीज जस्ट सी केयरफुली दिस स्लाइड। If we talk about the next endopeptidase, that is what, that is chemotrypsin. Okay, it also cuts the carboxylic side, but it cuts the aromatic amino acid
कार्बोक्सिलिक साइड. एंड द कंडीशन इज दैट वंस अगेन कि आर एन पोजिशन पे क्या नहीं होना चाहिए, प्रोलीन नहीं होना चाहिए. तो अगर मैं फिर से बात कर रही हूँ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, यानी कि कौन कौन से होते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड टाइरोसिन. आई होप यू रिमेम्बर दीज थ्री. कौन है? एफ वाई डब्ल्यू. ठीक है, एफ वाई डब्ल्यू याद नहीं हो रहा तो वाई फाई से याद रख लेना. वाई फाई सिमिलर वर्ड है डब्ल्यू से, क्या ट्रिप्टोफैन, एफ से फिनाइल एलेनिन और आई से हो गया यहाँ पे टाइरोसिन. वाई फाई सिमिलर है, आई की जगह वाई लिख लेना, वाई फाई. ठीक है, सो लेट सी द फर्स्ट कंडीशन. अगर यहाँ पे ऐसी कुछ कंडीशन प्रेजेंट है तो हमें सबसे पहले तीन चीजों को देखना है, किस किस को, एफ को, डब्ल्यू को, वाई को. तो हमें यहाँ पे मिल गया वाई, तो वाई ने यहाँ पे क्या कर दिया, कट कर दिया. हमें कितने फ्रेगमेंट्स मिल गए? दो फ्रेगमेंट्स मिल गए. सेकेंड कंडीशन देखते हैं जिसमें ये ऐसी कंडीशन दी हुई है. तो Y यहाँ पे साइड में प्रेजेंट है, काइमोट्रिप्सिन हमने सॉल्यूशन में डाला, लेकिन कट होगा नहीं, क्योंकि लिए क्या है ये एक्सोपेप्टाइडेज का कंडीशन है, एंडोपेप्टाइडेज का कंडीशन नहीं है. नेक्स्ट यहाँ पे बेशक कट करेगा, यहाँ पे भी कट करेगा. ठीक है, इन दोनों ही जगह पे कट कर देगा, क्योंकि लिए यहाँ पे ना प्रोलीन प्रेजेंट है ना ही एक्सोपेप्टाइडेज की कंडीशन है. तो वन फ्रेगमेंट, टू फ्रेगमेंट, थ्री फ्रेगमेंट्स, हाउ मच फ्रेगमेंट्स वी गॉट, थ्री फ्रेगमेंट्स. नेक्स्ट कंडीशन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फिनाइल एलेनिन प्रेजेंट है. क्या आरएन पे प्रोलीन है? नहीं है, तो कट हो जाएगा. यहाँ पे फिर से फिनाइल एलेनिन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे आरएन पे क्या प्रेजेंट है, प्रोलीन प्रेजेंट है, तो कटिंग नहीं हो पाएगी, कटिंग नहीं हो पाएगी. सो हाउ मच फ्रेगमेंट्स वी गॉट, वी गॉट टू फ्रेगमेंट्स. सो व्हाट वी हैव टू सी, अगर आपको कोई भी एंजाइम दिया हुआ है उससे रिलेटेड के जितने भी अमाइनो एसिड्स है, पहले आपको वो सीरीज में वो फाइंड आउट करने हैं. फिर आपको फाइंड आउट करने कोई एक्सोपेप्टाइडेज पे तो नहीं है ना, कोई लास्ट एन टर्मिनल या सी टर्मिनल पे तो नहीं है. नेक्स्ट आपको क्या देखना है कि प्रोलीन कहाँ पे प्रेजेंट है, उनके आजू बाजू में अगर प्रोलीन है तो कहाँ पे, उस हिसाब से आप कर सकते हो ये सॉल्व. नेक्स्ट एंजाइम देख लेते हैं. नेक्स्ट एंजाइम कौन सा है? नेक्स्ट एंजाइम है इलास्टेज. इलास्टेज कहाँ कट करेगा? वो कार्बोक्सिलिक एंड ऑफ एलेनिन, ग्लाइसिन, सेरीन पे कट करेगा, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि आरएन पोजीशन पे प्रोलीन नहीं होना चाहिए. तो मैंने उसको अगर ऐसा एक पेप्टाइड का स्ट्रक्चर दिया तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, एलेनिन, ग्लाइसिन, सेरीन, और यहाँ पे सबसे पहले हमें ये ढूंढना है. नेक्स्ट ढूंढना है कोई एक्सोपेप्टाइडेज वाली पोजीशन पे तो नहीं प्रेजेंट. जैसे एलेनिन जो है वो एक्सोपेप्टाइडेज की कंडीशन पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे कट नहीं होगा. ग्लाइसिन जो है वो एंडोपेप्टाइडेज की कंडीशन में तो प्रेजेंट है, लेकिन उसके आरएन पे क्या प्रेजेंट है, प्रोलीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी कट नहीं होगा. सेरीन के बाजू में कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे कट हो जाएगा, बट इन दिस सेरीन इट इज एट एक्सोपेप्टाइडेज लोकेशन, तो यहाँ पे भी कट नहीं होगा. सो हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स विल गेट, विल गेट ओनली टू फ्रेगमेंट्स इफ वी पुट इन दिस इलास्टेज, अगर हम इन पॉलीपेप्टाइड के साथ इलास्टेज को रखते हैं तो. नेक्स्ट इज पेप्सिन. पेप्सिन इज द एंजाइम दैट विल कट एट अमाइनो साइड. पहले जितने भी थे वो कार्बोक्सिलिक साइड पे कट कर रहे थे, ये कहाँ पे कट करेगा, इट विल कट एट अमाइनो साइड एंड इट विल कट एट एरोमेटिक अमाइनो एसिड. आई होप यू रिमेंबर द एरोमेटिक अमाइनो एसिड दैट वर वाई डब्ल्यू एफ, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन. इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर देम देन आई विल टेल यू अ सिंपल ट्रिक, वेरी वेरी सिंपल ट्रिक, दैट इज वाई फाई. From W it's tryptophan, from F it's phenylalanine, and from Y it's tyrosine. As simple as that. यहाँ पे इसकी शर्त क्या है, पेप्सिन काम तो करेगा, लेकिन पेप्सिन की शर्त क्या है कि आर एन माइनस वन पे प्रोलीन नहीं होना चाहिए. आपको सिर्फ इतनी याद ध्यान रखना है, अगर कोई भी अमाइनो एसिड कार्बोक्सिलिक साइड पे प्रेस, कार्बोक्सिलिक साइड पे कट कर रहा है और अगर वो प्रोलीन की शर्त रख रहा है तो हमेशा आर एन पोजिशन पे क्या नहीं होना चाहिए, प्रोलीन नहीं होना चाहिए. और कोई अमाइनो एसिड अगर अमाइनो साइड पे कट कर रहा है तो आर एन माइनस वन पे प्रोलीन नहीं होना चाहिए, इफ अगर उसकी शर्त है तो. सिंपल इससे आप याद रख लीजिए. तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, यहाँ पे जो पेप्टाइड दिया है, ये पेप्टाइड ठीक है, इसमें हम सबसे पहले ढूंढेंगे इतने सारे अमाइनो एसिड जो कि कौन से है, वाई डब्ल्यू एफ. ठीक है, तीन ही है. वाई के पास कहीं कट होगा क्या पेप्सिन से? बोलता है नहीं, मेरे बाजू में प्रोलीन है. वेलिन के पास कहीं बोला कट होगा? बोलता है हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. फिनाइल एलेनिन के पास कहीं पूछा कट होगा? बोलता है नहीं, मैं एक्सोपेप्टाइडेज हूँ, मैं कतई कट नहीं होगा.
मैं एक्सोपेप्टाइडेज से ही कट दूंगा। तो हमें कितने फ्रेगमेंट्स मिले, हमें मिल गए 2 फ्रेगमेंट्स। ओके, इफ वी सी द नेक्स्ट एंजाइम, दैट नेक्स्ट एंजाइम इज थर्मोलाइसिन। थर्मोलाइसिन भी अमाइनो साइट पे कट करता है और वो भी एरोमेटिक अमाइनो एसिड को ही कट करता है, लेकिन उसके साथ वो वेलिन को करेगा, आइसोल्यूसिन को करेगा और मिथ्यूनिन को करेगा। और उसकी शर्त क्या है, प्रोलीन नहीं होना चाहिए भाई मुझसे पहले, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, हमें इतने सारे अमाइनो एसिड ढूंढने हैं, दैट इज YFWVIM। ये सारे अमाइनो एसिड हमें ढूंढने हैं, तो हमने ढूंढना शुरू किया, हमें मिला YVIWFF एंड M। हमें ये सारे अमाइनो एसिड्स मिल गए। अब हम कट करते हैं, Y से पूछा होगा बोलता है नहीं प्रोलीन है, V से पूछा होगा बोलता है हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई से पूछा बोलता है हाँ, डब्ल्यू से पूछा बोलता है हाँ, मिथ्यूनिन से पूछा बोलता है हाँ, फिनाइल एलिनिन से पूछा बोलता है सॉरी नहीं हो सकता क्योंकि प्रोलीन बाजू में, फिनाइल एलिनिन से फिर बोला, फिर उसने भाव बोला, भाव खाता है, बोलता है नहीं मैं नहीं कट कर करने दूंगा थर्मोलाइसिन को, बिकॉज एक्सोपेप्टाइडेज ही कट कर सकता है, एंडोपेप्टाइडेज कट नहीं कर सकते। तो हमें कितने मिले, 1 फ्रेगमेंट 2 फ्रेगमेंट 3 फ्रेगमेंट 4 फ्रेगमेंट एंड 5 फ्रेगमेंट्स। हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स वी गॉट इन दिस, वी गॉट 5 फ्रेगमेंट्स। ओके, नेक्स्ट इफ वी सी, नेक्स्ट इज साइनोजन ब्रोमाइड। साइनोजन ब्रोमाइड इज नॉट अ एंजाइम, इट इज अ केमिकल। ये क्या है, ये केमिकल है। ये केमिकल क्या करता है, कार्बोक्सिलिक साइड ऑफ मिथ्यूनिन पे कट करता है। कहाँ पे कट करेगा, मिथ्यूनिन, एक ही अमाइनो एसिड पे कट करता है और उसके भी कार्बोक्सिलिक साइड पे। तो इधर हमें देख लेना है, ये मिथ्यूनिन के इसने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक साइड पे कट कर दिया और यहाँ पे कट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एक्सोपेप्टाइडेज का काम है। ये भी कैसे एक्ट कर रहा है, वैसे ये सिर्फ एंडो पोजीशन पे कट करता है, ये भी एक्सो पोजीशन पे कट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया 1 फ्रेगमेंट एंड 2 फ्रेगमेंट्स। हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स वी गॉट, वी गॉट टोटल ऑफ 2 फ्रेगमेंट्स। वेरी क्लियर टू यू? सो ये सारे थे एंडोपेप्टाइडेज। नाउ लेट्स सी अबाउट द एक्सोपेप्टाइडेज। एक्सोपेप्टाइडेज यानी कि बाहर की तरफ जो कट करेगा। तो ये 2 टाइप के होते हैं, 1 इज सी टर्मिनल पे जो कट करता है जिसको हम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बोलते हैं, और एक जो है वो एन टर्मिनल पे कट करता है जिसको हम अमाइनो पेप्टाइडेज बोलते हैं। बहुत सिंपल है, अमाइनो ग्रुप के इधर अमाइनो पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी ग्रुप के ऊपर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी है जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि देखो ये जो अमाइनो पेप्टाइडेज है इसने क्या किया, जो अमाइनो साइड पे अमाइनो एसिड था उसको रिमूव कर दिया, वहीं जो कार्बोक्सी पेप्टाइड है उसने क्या किया, जो कार्बोक्सी साइड पे अमाइनो एसिड था उसको रिमूव कर दिया। यानी कि एक्सोपेप्टाइडेज जो है वो एक एक करके अमाइनो एसिड का रिमूव करते हैं, एक एक करके साइड से क्या करेंगे, अमाइनो एसिड को रिमूव करेंगे। एंडोपेप्टाइडेज के जैसे नहीं कि कहीं पे भी कट कर दिया और फ्रेगमेंट्स बना दिए, ये एक एक करके ही कट करेंगे। तो अमाइनो पेप्टाइडेज लेफ्ट साइड कट करेगा जो कि एन टर्मिनल, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज राइट हैंड साइड कट करेगा जो कि कार्बोक्सी साइड। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के बारे में, तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज 3 टाइप के होते हैं। पहला है ए जो कि कट करेगा ऑल अमाइनो एसिड को, लेकिन के आर पी को कट नहीं करेगा, यानी कि लाइसिन आर्जिनिन प्रोलीन को कट नहीं करेगा। अगर सी टर्मिनल पे ये तीनों प्रेजेंट होंगे तो ये कट नहीं करेगा, ये भाव खाएगा। तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन दी और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक साइड पे, तो ये कट नहीं करेगा, बोलेगा मेरी आर से पी से और के से बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है तो मैं कट नहीं करूँगा वहाँ पे। दूसरा होता है बी, उनकी बहुत गहरी दोस्ती है लाइसिन से और आर्जिनिन से, तो वो वहाँ पे कट कर देगा, बाकी कहीं पे भी कट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मिथ्यूनिन प्रेजेंट है तो ये बोलता है मैं नहीं करूँगा कार्बोक्सिलिक साइड पे कट, यहाँ पे आर्जिनिन प्रेजेंट होना चाहिए या लाइसिन प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज कार्बोक्सी पेप्टाइड सी जो कि हर अमाइनो एसिड को कट कर देगा कहाँ पे, कार्बोक्सिलिक साइड पे। मतलब उसको कोई भी अमाइनो एसिड दे दो कार्बोक्सिलिक साइड पे तो वो क्या कर देगा, किसी भी अमाइनो एसिड को कट कर देगा। तो अगर हमें स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जानना है कि लाइसिन प्रेजेंट है या आर्जिनिन प्रेजेंट है सी साइड पे, तो हम किसको यूज़ करेंगे, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी को यूज़ करेंगे। और हमें सिर्फ कट करवाना है तो हम किसको डालेंगे, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सी को, अगर हमें एक 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 अमाइनो एसिड चाहिए तो। तो ये किसके बारे में था, ये था कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के बारे में। नेक्स्ट इज अमाइनो पेप्टाइडेज जो कि क्या करता है, जो कि एन टर्मिनल पे कट करता है। ये क्या करेगा, ये हर एक अमाइनो एसिड को कट कर देगा, इट विल कट ऑल द अमाइनो एसिड दैट आर प्रेजेंट ऑन द एन साइड, तो वो यहाँ पे कट करेगा इस तरह।
Okay, it will cut on the end side. So guys, this was all about the today's video. Once again, I want to tell you that this topic is very important. Regarding this, many a questions has been asked in many examination. So do these topic very carefully and these are very easily topic. Regarding these previous year, इसके previous year से related जो है एक video में बनाऊंगी जिसमें हम इसके सारे previous year questions जो है solve करेंगे. So guys, thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends who are preparing for any examination related to life science. Guys, thank you so much. Bye bye.